साहब एक शानदार चीज सुना रहा हूँ, ये कहानी जब आप सुनेंगे ना आप फालतू लोगों से बहस करना बंद कर देंगे। एक बार क्या होता है, गधा सूखी घास खा रहा था, पास में से एक चीता गुजरता है, उससे रहा नहीं जाता है और वो कहता है, अरे यार पागल तू सूखी घास क्यों खा रहा है, पास में अपने फील्ड है वहां हरी घास है वो खाना यार। तब गधा बोलता है, बात तो तेरी सही है कि वो फील्ड है पर वो हरी घास नहीं नीली घास है। अब ये बात दोनों में बहस में तब्दील हो जाती है। चीता बोलता है, यार वो हरी घास है, ये बोलता है नहीं घास तो नीली है। अब इसका फैसला कैसे किया जाए। अब ये दोनों पहुंचते हैं जंगल के राजा शेर के पास। शेर को पूरी बात बताते हैं, शेर पूरी बात सुनता है और बोलता है कि एक काम करो, गधे को तो इनाम दो। गधा खुश हो जाता है और एक आदमी को बुलाता है, बोला इस चीते को कोड़े मारो। चीता यार चकित रह जाता कि ये क्या कर रहा है। गधा मौज लेके चला जाता है। गधे के जाने के बाद चीते ने शेर से कहा कि सर आपको मालूम है कि घास जो होती है वो हरी होती है और आपने ये क्या फैसला दे दिया। बोले मैंने ये फैसला इसलिए नहीं दिया कि घास हरी होती है कि नीली होती है, तुम्हें कोड़े इसलिए लगवाए कि तू गधे से बहस क्यों कर रहा था। क्या बोला, कि तू गधे से बहस क्यों करता था। तो बात ये है सर कि एक जाहिल आदमी होता है ना वो 100 समझदार आदमी को बेवकूफ बना देता है। तो साहब जिंदगी को अगर मस्त रखना हो ना तो फालतू लोगों से बहस नहीं करने का, अपनी मौज में रहिए।